Good morning, students. So in our first video for class 2, I'm going to teach you social studies lesson 1. All take your books and follow me. Now continue while I am reading your text. So in your first lesson, the lesson heading is the family. परिवार ना फैमिली मीन्स परिवार तो एक परिवार क्या है इसमें कौन कैसे लोग रहते हैं ना तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे सब रीड करिए वी लिव इन अ हाउस विद अवर फैमिली द फैमिली मेंबर्स शेयर केयर एंड हेल्प ईच अदर ना हम एक घर पे परिवार के साथ रहते हैं ना घर पे जो लोग रहते हैं मम्मी पापा भाई बहन सब मिलके एक फैमिली बनता है तो फैमिली में क्या होता है एक दूसरे के सब मदद करते हैं ना अगर एक को बीमार होगा तो दूसरे व्यक्ति उनकी हेल्प करेंगे उनका केयर करेंगे ना तो ये सब फैमिली में होता है नाउ राइट द नेम्स ऑफ द मेंबर्स हु आर ए पार्ट ऑफ योर फैमिली आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ब्लैंक्स डैशेस दिया है यहाँ पर आप आपके फैमिली मेंबर्स का नेम लिखेंगे फैमिली आपके परिवार में कौन कौन है उनका नाम लिखेंगे आपका पापा मम्मी भाई बहन सबका नाम लिखेंगे फिर टाइप्स ऑफ फैमिलीज ना आगे हम लेसन में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज ना एक फैमिली कितने प्रकार के होते हैं ना कितने प्रकार के फैमिलीज होते हैं कितने टाइप्स काइंड्स के फैमिली होते हैं तो मेनली ना ज्यादा इम्पोर्टेंटली टू टाइप के फैमिलीज होते हैं वो है न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली ना तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फैमिली माने मम्मी पापा भाई बहन सब छोटा जो फैमिली होता है वो न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली क्या होता है जॉइंट फैमिली बहुत बड़ा होता है इसमें मम्मी पापा ना आपके भाई बहन फिर दादा दादी चाचा चाची उनके बच्चे ना वो होता है जॉइंट फैमिली तो आप टेक्स्ट में देखिए डेफिनेशन के साथ न्यूक्लियर फैमिली ना न्यूक्लियर फैमिली क्या है ए न्यूक्लियर फैमिली हैज वन सेट ऑफ पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर आवर सिबलिंग्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली ना तो न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा रहेंगे आपके और आपके भाई बहन ना केवल वो एक न्यूक्लियर फैमिली है यानी मम्मी पापा और उनके बच्चे ऐसे ही परिवार को कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली तो न्यूक्लियर फैमिली में ब्रदर्स और सिस्टर्स भाई बहन को कहा जाएगा सिबलिंग्स ना भाई बहन को न्यूक्लियर फैमिली में जो आपके भाई बहन होते हैं उसमें उन लोग को कहा जाएगा सिबलिंग्स ना वो भी फैमिली मेम्बर्स है फादर मदर एंड वन और टू चिल्ड्रन मेक ए स्मॉल फैमिली आगे हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली भी टू टाइप्स के होते हैं कितने टाइप है टू टाइप्स का है स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली स्मॉल फैमिली कैसा फैमिली है स्मॉल फैमिली में फादर मदर फिर वन और टू चिल्ड्रन ना एक बच्चे या दो बच्चे यानी टोटल थ्री नहीं तो फोर लोग रहेंगे एक फैमिली में तो वैसा फैमिली को कहा जाएगा स्मॉल फैमिली फिर दिया है बिग फैमिली क्या होता है बिग माने आपको मालूम बिग माने बड़ा बिग फैमिली में वेन देर आर मोर देन फोर मेंबर्स इन ए न्यूक्लियर फैमिली इट इज कॉल्ड अ बिग फैमिली मैंने कहा पहले ज़्यादा से ज़्यादा फोर लोग मम्मी पापा दो बच्चे ना ऐसी फैमिली को हम स्मॉल फैमिली कहते हैं अगर टू बच्चों से ज़्यादा बच्चे ना थ्री फोर चिल्ड्रंस होंगे जैसे एक फैमिली में फोर मेंबर से ज़्यादा फाइव लोग हैं सिक्स लोग हैं सेवन लोग हैं तो ऐसे फैमिली को हम कहेंगे बिग फैमिली उसमें दादा दादी सब नहीं आएंगे मम्मी पापा और उनके बच्चे ना वो होगा न्यूक्लियर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली टू टाइप्स के होते हैं स्मॉल फैमिली जिसमें मदर फादर एंड टू चिल्ड्रन है और बिग फैमिली ऐसा फैमिली जिसमें मदर फादर एंड मोर देन टू चिल्ड्रंस है ठीक है नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे जॉइंट फैमिली ना जॉइंट फैमिली स्टार्टिंग में मैंने कहा डू यू नो हु योर अंकल्स एंड आंट्स आर ना आप जानते हैं आपके अंकल कौन है आंट कौन है जानते होंगे ना फिर आगे लिखा है ब्रदर्स ऑफ योर मदर और फादर आर कॉल्ड योर अंकल आपके मम्मी के भाई ना नहीं तो पापा के भाई उन लोगों को कहा जाएगा अंकल्स हिंदी में अलग अलग नाम से बुलाते होंगे लेकिन इंग्लिश में मदर के भाई को ब्रदर को भी नहीं तो फादर के भाई लोग ब्रदर्स को भी कहेंगे अंकल्स उसी तरीके से सिस्टर्स ऑफ योर मदर और फादर आपके मम्मी का सिस्टर लोग नहीं तो आपके फादर के सिस्टर्स उन लोग को भी कहा जाएंगे आंट्स ना फिर चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल एंड आंट्स आर कॉल्ड योर कजिन ना आपके अंकल अंकल और आंटी के बहुत बच्चे होते चिल्ड्रन होते हैं उन्हें हम कहेंगे कजिन ना कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर ऐसे कहा जाएंगे ना अब आगे दिया है जॉइंट फैमिली क्या है वेन वी ऑल लिव विद अवर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजिन्स इट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली ना जब हम एक घर पे रहते हैं एक घर पे रहेंगे उस समय हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं
ना ग्रैंडपेरेंट माने दादा दादी ना नहीं तो मौसा नाना नानी ना फिर हमारे पेरेंट्स हमारे मम्मी पापा फिर हमारे अंकल आंटी उनके बच्चे और हमारे ब्रदर सिस्टर्स ना ऐसे एक बड़ा फैमिली को कहा जाता है जॉइंट फैमिली ना। तो शॉर्ट में हम कहेंगे जॉइंट फैमिली से लार्ज फैमिली। जॉइंट फैमिली जो है बहुत बड़ी फैमिली होती है ना। फिर जॉइंट फैमिली में क्या है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, फिर आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल आंटी और आपके कजन ब्रदर सिस्टर, ये होता है जॉइंट फैमिली। फिर एक क्वेश्चन दिया है एक वर्क ना, डू यू लिव इन अ न्यूक्लियर और अ जॉइंट फैमिली। मैं नहीं कह सकती हूँ, आप जानते हैं ना। तो आप लिखिए आप कैसे फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो लिखिए न्यूक्लियर फैमिली। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप लिखिए जॉइंट फैमिली ना। तो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी कहा है, जॉइंट फैमिली में मम्मी पापा और केवल आपके भाई बहन रहेंगे। जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और आपके भाई बहन, जॉइंट फैमिली में आपके मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी और कजिन ब्रदर सिस्टर, ऐसा फैमिली क्या होगा, जॉइंट फैमिली। फिर इफ पिक्चर को देखिए, आप नीचे आप देख सकते हैं, वी शुड लव आवर फैमिली मेम्बर्स। ये रोज आपके टीचर्स आप लोगों को क्लास में बताया जाता है, हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए ना। हमें अपनी मम्मी पापा को लव करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को लव करना चाहिए, ब्रदर्स को, अंकल को, सबको मदद भी करना चाहिए। केवल लव करने से कोई फायदा नहीं है, क्या करना चाहिए, लव करने के साथ साथ हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए, उनके काम में हाथ बटाना चाहिए ना। वी शुड हेल्प एवरी वन इन द फैमिली। हमारे फैमिली में जो भी लोग हैं सबको हम क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर ना, एक दूसरे का केयर भी करना चाहिए ना। अब इनको कोई मुश्किल होगा, कोई दिक्कत होगा तो उन्हें हम क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए ना। फिर देखिए एक छोटा सा एक बॉक्स ना, यहाँ पर कुछ इन्फो जोन करके दिया है ना, कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स ना। ए पर्सन बिलोंगिंग टू योर फैमिली इज नोन एज योर रिलेटिव ना। कि रिलेटिव, रिलेटिव हमेशा आप लोग सुने होंगे ये वर्ड ना, रिलेटिव रिश्तेदार हिंदी में कहते हैं ना। तो ए पर्सन बिलोंगिंग टू योर फैमिली, आपके परिवार से ही, परिवार का ही व्यक्ति को आप कहा सकते हैं वो मेरा रिलेटिव है ना। ए पर्सन बिलोंगिंग टू योर फैमिली, आपके फैमिली में, फैमिली का एक व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, रिलेटिव। फिर दिया है सेकंड पॉइंट, ए फैमिली वेयर ए चाइल्ड इज ब्रॉट अप बाय आइदर द फादर और द मदर इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली ना। और आजकल की दुनिया में हम देख सकते हैं कहीं कहीं बच्चा होता है केवल उनके मम्मी रहेगा, पापा नहीं रहेंगे, तो पापा रहेगा मम्मी नहीं ना। तो ऐसे बच्चा जिसको केवल पापा रहेगा, नहीं तो ऐसे बच्चे जिसको केवल मम्मी रहती है, उन्हें वन पेरेंट या पापा रहेगा नहीं तो मदर ना। तो ऐसे फैमिली को कहा जाएगा सिंगल पेरेंट फैमिली। तो वहाँ पर फादर और उनका चाइल्ड, नहीं तो मदर नहीं उनका चाइल्ड, ऐसे फैमिली को कहेंगे सिंगल पेरेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली ना, इसकी डेफिनेशन आप लर्न करिए ना। तो ऐसे होमवर्क ना, आई एम गिविंग यू ए स्मॉल होमवर्क ना, ऐसा होमवर्क यू जस्ट लर्न क्वेश्चन आंसर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आप लिखिए, उसको कॉपी में ऑनलाइन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए न्यूक्लियर फैमिली, आंसर इज गिवन इन पेज नंबर 7 के नीचे वर्क 8 ना, एक छोटा बॉक्स ये इसमें दिया है न्यूक्लियर फैमिली। क्वेश्चन हमारे क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का डेफिनेशन है, न्यूक्लियर फैमिली इज ए फैमिली इन विच ओनली वन पेरेंट्स, ओनली पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स लिव। न्यूक्लियर फैमिली क्या है, केवल ऐसा फैमिली है जिसमें केवल पेरेंट्स और सिबलिंग, सिबलिंग मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर्स ना। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, आंसर दिया है जॉइंट फैमिली इज अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर। जॉइंट फैमिली क्या है, ऐसा फैमिली इसमें जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, फादर मदर, अंकल आंटी, कजिन्स, कजिन माने भाई बहन ना, अंकल आंट के बच्चे, तो सब मिलके साथ में रहते हैं, वो है जॉइंट फैमिली। तो ये आपका होमवर्क है, आप आपकी कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, टू क्वेश्चंस मैंने दिया, व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली एंड व्हाट इज जॉइंट फैमिली, दोनों आप लिखिए, उसके आंसर्स लर्न करिए। टिल नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।